ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल का फिरोजाबाद में मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। कई वाहनों पर लोडिंग हो रही है तो कहीं लोडिंग नहीं हो रही है। ट्रांसपोर्टरों में एकता नहीं हो सकी तो यह हड़ताल महत्वहीन सिद्ध होगी। हम आपको बता दें कि डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी के बाद ट्रांसपोर्टरों ने भी अपना माल भाड़ा बढ़ाना चाहा, लेकिन उनका माल भाड़ा नहीं बढ़ा, इसको लेकर उन्होंने हड़ताल शुरू कर रखी है। हड़ताल में भी सभी ट्रांसपोर्टर शामिल नहीं है या ट्रांसपोर्टरों का यही हाल रहा तो इस हड़ताल का किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। हेक्स न्यूज के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। डीजल की बढ़ोतरी के ऊपर इन्होंने की हुई है, डीजल की महंगा डीजल बढ़ने के कारण माल भाड़े में वृद्धि नहीं हुई है, तो माल भाड़े की वृद्धि के ऊपर तो कोई ध्यान नहीं है इनका, सरकार के खिलाफ ध्यान दिया जा रहा है, तो जिससे लोग ज़्यादा अफेक्टिव नहीं है और गाड़ियाँ लगातार लग भी रही हैं और कुछ जगह जो लोडिंग पूरी लोडिंग की गाड़ियाँ थी वो खड़ी हुई हैं, चूड़ी लोडिंग कहीं भी बंद नहीं है। क्या चाहते हो? चूड़ी लोडिंग वाले ये चाहते हैं कि भाई जब 60 रुपये डीजल था आज 75 रुपये डीजल है, तो उसके सापेक्ष जो भाड़ा बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ रहा। भाड़ा बढ़ने की डिमांड भी साथ साथ होनी चाहिए, महंगाई है तो महंगाई का तो विरोध हम भी करते हैं, लेकिन हमारा तो फायदा उससे होगा जब डीजल बढ़ गया 15 रुपये, तो उसी सापेक्ष भाड़ा भी बढ़ना चाहिए, तो ट्रांसपोर्टर का भी फायदा होगा और लेबर का भी फायदा। कब तक चलने की संभावना है? संगठित नहीं है तो कहाँ चलेगी, आज भी लोडिंग हो रही है, कहीं लोडिंग बंद है कहीं लोडिंग चालू है।